अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। पिछले विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को एक तरफा मुस्लिम वोट मिला है, और जिसको एक तरफा वोट मिला है, जिसकी झोली में मुसलमान एक एक वोट डाल दिया, वो कह रहा है कि असली हिंदुत्व को बचाना है। क्यों बेवकूफ़ बना रहे आप मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के? और आपको फुर्सत नहीं है, सिर्फ सांड समाचार करते हैं अखिलेश। ये तमाम बिचौलिया जो है, ये जो मिडिल मैन है जो मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के धोखा देते हैं कि भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है, और फिर वोट दिला दी अखिलेश को, तब भी भाजपा जीत गई, और पूरे देश में भाजपा जो है मार्जिनलाइज कर रही है, टारगेट कर रही है मुस्लिम अकलियत को, उत्तर प्रदेश में भी और हर जगह पर, और अखिलेश कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना है। क्या बचाएंगे आप हिंदुत्व को बचाएंगे? आप सेकुलरिज्म को नहीं बचाएंगे? आप संविधान को नहीं बचाएंगे? हिंदुत्व और सेकुलरिज्म और संविधान कहाँ पर एक जगह जमा हो सकते हैं? इसीलिए हम ये शुरू से कह रहे हैं कि अखिलेश उत्तर प्रदेश में जो राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों से, अल्पसंख्यक समाज से, वो बेवकूफ़ बनाने की, धोखा देने की सियासत कर रहे हैं, गुमराह करने की ज़रूरत है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समझना चाहिए कि उनको एक अपनी एक सियासी आवाज़ की ज़रूरत है, एक पॉलिटिकल आवाज़ की ज़रूरत है, तभी उनके तकालीफ और मसाइल हल हो सकते हैं। आप कब तक ऐसे ढोंगियों का साथ देंगे जो असली हिंदुत्व को बचाने की बात कर रहे हैं? आप बताइए, हिंदुत्व और अम्बेडकर का संविधान, हिंदुत्व और भाईचारगी, लिबर्टी, इक्वालिटी कहाँ जमा हो सकते हैं? ये तो आपको सोचना चाहिए बाबू।